आपने जब प्रेम रतन धन पायो गाया था, जैसे सर ने कहा आपने सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, तो ये गाना गाने के लिए आपके लिए क्या फील था जब आपने ये गाया? मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज सर ने जैसे कि बताया कि रोमांटिक गानों की तरह इस गाने को नहीं गाना था, एंड मैं डर रही थी उस बात से कि मैं कहीं इस गाने को फील करके ना गा, बिकॉज मैं पर्सनली अपनी मम्मा के साथ बहुत इमोशन बॉन्ड शेयर करती हूँ. एंड सर मेड मी ट्रांसपोर्टेड इन टू सच अ वर्ल्ड जहाँ पर बचपन की सारी मेमोरीज वो ताज़ा हो गई, मेरी मम्मा मेरे सामने थी. एंड वही स्पेशलिटी जब भी आप सर के साथ काम करो, जब आप तब आप गाना गाते नहीं हो, सिर्फ आप उसे अपने अंदर उतार लेते हो, एंड वही मेरे साथ हुआ. मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली ये गाना गाना, बिकॉज मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, इतना ज़्यादा मैंने इस गाने को फील कर लिया था कि जोड़ी एन इमोशनल एक्सपीरियंस. हम अपने सर पे लिया था जब ये गाना अन्नू से और हमने कौशल से जब अप्रूव करा कर हम जब समझे तो सोच रहे थे किसको लें, तो अन्नू ने कहा कि इस बच्ची को ले लो, इसके अंदर वो गहराई है, मैं बोला इतनी छोटी सी लगती है ये गा पाएगी गाना. और फिर उसको हमने रिहर्सल के लिए बुलाया और रिहर्सल इसको हमने जब करवाया तो मुझे इसकी आँख में एक चमक थी, जहाँ पर उसका इरादा था कि आप जो सोच रहे हैं मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगी, एक इसके अंदर डिटर्मिनेशन थी. और फिर हम रिकॉर्डिंग देन व्हेन आई न्यू दैट इट वाज महेश जीस प्रोडक्शन और अनु जी ने मुझे बोला, आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज डेफिनेटली द फर्स्ट टाइम. देन मैंने गाना सुना और मैंने गाना पढ़ा. आई हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स इन लाइफ एंड आई फॉलो सर्टेन थिंग्स इन दैट दिस सॉन्ग मीन्स सो मच टू मी हाउ आई सी लाइफ दैट इट वॉज एन ऑनर. मैं ये कहने वाली बात नहीं है, बट जेन्युइनली इट वॉज एन ऑनर टू सिंग एंड एक्सप्रेस दिस सॉन्ग एंड आई एम हैप्पी दैट ही लाइक्ड इट बिकॉज ही इज पर्सनली सो पैशनेट अबाउट दिस सॉन्ग. यस नर्वसनेस हुई थी पहले, बट यस बट देन आई थिंक उन्होंने जैसे ब्रीफ दिया, आई बिकेम एन एक्टर इन द सॉन्ग मोर देन द सिंगर. सो आई थिंक थैंक यू.